श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में अपना भाषण दिया है, तब से पूरी बीजेपी खेमे में खलबली सी मची हुई है। एक अकेले राहुल गांधी को गलत साबित करने के लिए बीजेपी सत्ता के नेताओं सहित समूचा मंत्रिमंडल लामबंद हो चुका है। सदन में सत्ता जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसे देखकर यही लगता है मोदी सरकारी पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभा रही है। बीजेपी के कई नेताओं और मंत्रियों और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर एतराज जताया है। सदन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, श्री राहुल गांधी जो लोकसभा के सदस्य हैं, उन्होंने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए, कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर होने का चोट पहुंचाने की कोशिश की है। महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूँ कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनके आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। दोस्तों, रक्षा मंत्री के इस बयान को दिल्ली बीजेपी ने शब्दशः ट्वीट किया है, जिसके जवाब में कांग्रेस नेता अलका लांबा ने तीखा पलटवार भी किया है। उन्होंने रक्षा मंत्री के बयान पर जवाब देते हुए कहा, राहुल गांधी जी जिस लंदन में लेक्चर देकर आ रहे हैं ना, वहां बसने वालों के तलवे चाटते थे भाजपाइयों दंगाइयों के संघ ही पुरखे। आज भी किसी भाजपाई नेता की औकात नहीं वहां जाकर कुछ कह सके। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भगोड़े पूंजीपति मित्रों को भी वही शरण दिलाई हुई है। दोस्तों, आपकी जानकारी की बता दें, राहुल गांधी हफ्ते भर पहले ही ब्रिटेन में विपक्ष की आवाज दबाने और माइक बंद करने का आरोप सत्ता पक्ष पर लगाया था। उनके इस बयान के बाद से ही अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, प्रज्ञा ठाकुर और प्रधानमंत्री स्वयं भी इसे देश का अपमान बता चुके हैं और अब सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी मंगवाने के लिए सदन की कार्रवाई को भी बाधित करने से भी नहीं चूक रहा है। बीजेपी की तरफ से सदन में राहुल गांधी के बयान पर जमकर हंगामा किया जा रहा है, जिसके सदन को घंटों स्थगित करना पड़ रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा करें।